चेस करोगे तो हमारी जो टीम है वो आपको बेंचमार्क की वीडियो प्लस में कार्ड की कंडीशन सब कुछ पहले आपको भेजेगी। ये सब चीजें पहले ही बता दी जाती हैं, पहले भेजी तब ठीक है। 60 सुपर और टीआई सेम रेट है उनका, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए 11,000 दोनों का फिक्स रेट है, चाहे जो समझिए। सीओडी करवा लो, प्रीपेड करवा लो, या आपके ऊपर है, हम कोई भी चार्ज शिपिंग में नहीं करते। ट्राई करने के बाद आपको 3 डेज का मतलब टाइम मिलता है कि आप उस कार्ड को रिटर्न कर सकते हो इजीली। अच्छा, 3 डेज का टाइम भी मिल रहा है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि मेरा काम थोड़ा और अच्छी परफॉर्मेंस वाली चाहिए, चेंज करवा सकते हो, चेंज हो जाएगा। प्राइसिंग 6600 है, इसकी प्राइसिंग आएगी 13,500। सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसिंग को कवर, क्योंकि आप लोगों की इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है यूज ग्राफिक कार्ड को लेके, या फिर कह लो प्री ओन्ड ग्राफिक्स कार्ड को लेके। तो अभी मैं आया हूँ फैम्बर्स बिल्ड पे, एंड आज की वीडियो में हम लोग यहीं पे सारे के सारे जितने भी ग्राफिक कार्ड होते हैं AMD के, इंटेल के, सब कुछ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो प्रतीश भैया, आना कहाँ पर है अगर ग्राफिक कार्ड लेने हैं तो? यहाँ पे अगर आपको विजिट करके GPU लेना है तो आप 21 नंबर विज्ञान लोक में आ सकते हो, करगड़ों में मेट्रो स्टेशन सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, इजीली आप आ सकते हो। लेकिन विजिट करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग ऑनलाइन ही ऑर्डर दे दो, भैया की एक वेबसाइट भी है। एंड वीडियो में जितने कार्ड आपको दिख रहे हैं, इनमें से जो भी कार्ड आपको लेना है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लो, DM कर दो, व्हाट्सएप पे भेज दो, और कार्ड का प्राइस पूछ लो कि आपको क्या लगेगा। एंड भैया, शिपिंग का कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा? शिपिंग आप मेरे से कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, सारी की मतलब सारे प्रोडक्ट्स की शिपिंग फ्री है बिल्कुल। अच्छा, शिपिंग फ्री रहती है, मतलब आपको सिर्फ कोई भी एक कार्ड देखना है, उसका प्राइस पे करना है। प्रीपेड रहेगा कि COD रहेगा? COD करवा लो, प्रीपेड करवा लो, या आपके ऊपर है, हम कोई भी चार्ज शिपिंग में नहीं करते। ठीक है, मतलब COD पे भी हम लोग यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं आप, मतलब अपने यहाँ दिल्ली वगैरह में, अगर आप हमारे थोड़े नियर बाय में हो तो ओपन बॉक्स डिलीवरी आप अपने मतलब आराम से जहाँ पे भी आप रहते हो, फिर कुछ भी मंगा सकते हो, मंगा के टेस्ट करके आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, मतलब टेस्ट करने के बाद में पेमेंट कर सकते हैं, मतलब जैसे कि अपना फ्लिपकार्ट वगैरह पे होता है ओपन बॉक्स डिलीवरी, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, एंड वैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रीबिल्ड PCs की भी वीडियो को अभी कवर किया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में ही मिल जाएगा। तो भैया, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए प्राइसिंग की बात करते हैं, क्योंकि लोग उसी के लिए वेट कर रहे हैं। सबसे बेसिक कार्ड कौन सा रहेगा अपने पास? सबसे बेसिक कार्ड देखो यार, 1060 से हमारे स्टार्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पे अभी विजिबल नहीं है, पर 1060 हमारे पास अवेलेबल ज़्यादा टाइम रहता है। ठीक है, तो क्या रेट पे रहता है? 1060 का जो कॉस्ट है वो रहती है आपकी 7400। ठीक है, 1060 ना 6GB में आता है? हाँ, 6GB में आता है। ठीक है, और भाई जैसे काफ़ी लोगों को ना थोड़ा वारंटी का इशू रहता है, तो वारंटी का हम पहले ही क्लियर कर देते हैं, क्या वारंटी रहने वाली है आपकी तरफ से? जो 1060 और RX 580 ये सारे कार्ड्स हैं, इनमें आपको 3 मंथ्स की वारंटी हमारी तरफ से प्रोवाइड होती है। मतलब जो भी आप कार्ड आप हमसे परचेज करते हो, जो 7500 से नीचे और 7500 के, ठीक है, मतलब 7500 के नीचे जो भी होंगे, 7500 के जो भी होंगे, वो 3 मंथ्स की वारंटी पे है। एंड उससे कोई ऊपर लेता है तो? उससे ऊपर लेते हो तो आपको 6 मंथ्स की वारंटी हमारी तरफ से प्रोवाइड होती है, और ब्रांड वारंटी सेपरेट है। ठीक है, मतलब हो सकता है कुछ कार्ड्स के ऊपर जो है ब्रांड की वारंटी बची हो, तो वो तो मिलनी है, बाकी आपकी तरफ से 6 मंथ्स की वारंटी हर कार्ड के ऊपर देखने को मिलेगी जब आप परचेज करोगे, तब से लेकर 6 मंथ्स की वारंटी। ठीक है, ठीक है, तो 1060 हो गया, उसके बाद थोड़ा ऊपर आते हैं। बाद अगर आप कार्ड लेते हो तो हमारे पास आया था 1070, ये आपका ज़ोटेक का कार्ड है। 1070, ठीक है, क्या रेट होने वाला है इसका? प्राइस आपका रहेगा 8900 रुपीज़ में 1070 हो गया ये अपना। और उसके बाद हमारे पास आया था 1660 सुपर, यहाँ 1660 सुपर 6GB के अंदर, यहाँ पे अभी विजिबल नहीं है, पर ज़ोटेक के आपको मिल जाएंगे, मतलब 1660 सुपर, और काफ़ी अच्छी खासी वारंटी में मिल जाएंगे, और काफ़ी सारे नॉन वारंटी भी होंगे, जिसमें आपकी 6 मंथ्स की वारंटी तो रहती है सारे कार्ड्स में। ठीक है, मतलब वो तो आपकी तरफ से है ही, बाकी हो सकता है ब्रांड वारंटी भी मिल जाए, तो परचेज करते टाइम पे आप लोग पूछ लेना भैया से, वो आपको डिटेल में बता देंगे क्या है क्या नहीं है। और रेट क्या रहता है वैसे उसका? 1660 सुपर और TI सेम रेट है उनका, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए 11,000 दोनों का फिक्स रेट है, चाहे जो सा मर्जी कार्ड हो। 11,000 में 1660 TI ले लो, चाहे सुपर ले लो, जो अवेलेबल हो वो मिल जाएगा। और जैसे भाई देखो, कई लोगों को थोड़ा इशू रहता है कि हम एक पुराना यूज ग्राफिक कार्ड ले रहे हैं, तो परफॉर्मेंस वगैरह में थोड़ा सा उनको दिक्कत रहती है, भले ही यहाँ पे COD मिल रही है, लेकिन हो सकता है उन लोगों को थोड़ा जानना हो कि भाई परफॉर्मेंस कैसी दे रहा है हमारा कार्ड, या फिर ज़्यादा हीट तो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कुछ करोगे आप? ऐसा है देखो यार, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है अगर मतलब कि कार्ड आपको कौन सा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो यार देखो आप अपनी तरह से कार्ड बाय कर सकते हो, और बाय करने के बाद आपको 3 डेज का मतलब टाइम मिलता है कि आप उस कार्ड को रिटर्न कर सकते हो इजीली। अच्छा, 3 डेज का टाइम भी मिल रहा है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि मेरा काम थोड़ा और अच्छी परफॉर्मेंस वाली चाहिए, चेंज करवा सकते हो, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जैसे अगर किसी को बेंचमार्क्स देखने हो खरीदने से पहले ही? खरीदने से पहले बेंचमार्क देखने, तो आपको वीडियो वगैरह तो वैसे भी अगर आप परचेज करोगे तो हमारी जो टीम है वो आपको बेंचमार्क की वीडियो प्लस में कार्ड की कंडीशन सब कुछ पहले आपको भेजेगी। ये सब चीज़ें पहले ही बता दी जाती हैं, पहले भेजी तब।
ठीक है, बात करते हैं दूसरे कार्ड की। हाँ, नेक्स्ट कार्ड जो है आपका 1660 Ti सुपर से जो ऊपर आ जाता है वो है 2060 MSI का। 2060 2060 MSI का, ठीक है। कंडीशन तो अच्छी है, अच्छी है कार्ड की, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो वारंटी आपकी रहती है, इसकी वारंटी 10 to 11 months की आपकी रिमेनिंग रहती है। 10 to 11 months, ठीक है। ये सर्विस सेंटर से होगी ना? हाँ, सर्विस सेंटर से, और प्लस में हमारी तरफ से 6 months की तो रहती है, ठीक है। प्राइस आपका बढ़ेगा 13,500। अच्छा, ये 13,500 रुपीज़ में MSI का। जैसे किसी को दूसरा ब्रांड चाहिए वो मिल जाएगा ना? दूसरा ब्रांड आपको मिल जाएगा, पर अभी फिलहाल के लिए हमारे पास MSI का ही अवेलेबल है, ठीक है। मतलब परचेज करते टाइम आप लोग पूछ लेना कि कौन सा ब्रांड और कौन सा मॉडल अवेलेबल होगा उस टाइम पे, तो वो मिल जाएगा। हाँ, अभी फिलहाल के लिए हमारे पास 2060 में MSI और कलरफुल, ये दो ब्रांड्स अभी अवेलेबल हैं, बाद में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 2060 से ऊपर 3050 वगैरह मिल जाएगा? 3050 वगैरह तो नहीं है, 2060 सुपर हमारे पास है, वो आपको मिल जाएगा। अच्छी खासी, मतलब अच्छी कंडीशन में, काफ़ी ज़्यादा आरएमए रेट है वैसे तो, ठीक है। इसकी जो वारंटी आपकी रिमेनिंग रहती है 10 to 9 months के, 9 to 10 months के अराउंड है इसकी वारंटी। 9 to 10 months, हाँ, और हमारी तरफ से 6 months की रहती है। प्राइस, प्राइस इसका पड़ेगा 15,500 अगर आरएमए यूनिट है। अगर नॉन आरएमए यूनिट है, प्री ओन्ड है, जैसे कि ये कार्ड है 2060 सुपर, इसकी प्राइसिंग रहेगी 14,800। जी, 14,800 का नॉन आरएमए है, और ये आरएमए। हाँ, इसमें भी अगर काफ़ी कार्ड्स में होता है वारंटी बची होती है तो उनकी प्राइसिंग थोड़ी हाई रहती है, मतलब 14,800 से स्टार्टिंग है, ठीक है। मतलब प्राइसिंग जो है वो थोड़ा बहुत मॉडल और जो वारंटी डिपेंड, वारंटी रहती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। 6 months तो रहती ही रहती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 3050 नहीं है, 3060। 3060 हमारे पास अवेलेबल है, 3060 MSI का अवेलेबल है हमारे पास। ये आपका, मतलब ये भी आरएमए यूनिट है, न्यू कार्ड है, प्रीओन्ड में नहीं है, काफी वैसे अच्छी कंडीशन में ही रहेगा आरएमए है तो क्या रेट होने वाला है? इसकी प्राइसिंग रहेगी 18,500। 18,500 क्योंकि आरएमए यूनिट है, न्यू कार्ड है, ट्रिपल फैन में, ट्रिपल फैन में वो भी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 3060 Ti। 3060 Ti भी हमारे पास अवेलेबल है, MSI का, गेमिंग एक्स का है, और वेंटस भी है। उसकी उसका जो प्राइस है आपका रहेगा 20,000 रुपीज़। मतलब वारंटी के हिसाब से प्राइस बढ़ भी सकता है, प्राइस कम भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 3070। 3070 अभी फिलहाल के लिए हमारे पास अवेलेबल तो नहीं है, पर उसकी जो प्राइसिंग रहती है आपकी 21,000 to 22,000 की रहती है वारंटी के हिसाब से, अगर मैं नॉन वारंटी लेके चलूँ अपनी तरह 6 months वारंटी मान, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 3070 Ti। और 3070 Ti कार्ड है, उसका प्राइस रहेगा 24,900। 24,900, ठीक है। वारंटी आपकी तरफ से 6 months रहेगी, और हो सकता है कुछ ऑफिशियल वारंटी भी मिल जाए। ऑफिशियल वारंटी भी मिल सकती है, उसको हम काउंट तब करते हैं अगर क्लाइंट अगर पूछे, क्योंकि अब उसके हिसाब से, कार्ड के हिसाब से, क्योंकि कार्ड तो आते रहते हैं, सेल होते रहते हैं, तो ऐसा कुछ परमानेंट नहीं रहता। भाई आजकल जो नए अपने कार्ड हैं एनवीडिया के 4000 सीरीज के, वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हैं, तो वो मिल जाएंगे अपने पास? हाँ, 4000 सीरीज के काफ़ी सारे कार्ड जो है प्री ओन्ड में भी आ चुके हैं, मतलब अभी डिस्प्ले वगैरह में मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि यार काफ़ी जल्दी वो हो जाते हैं, वो सोल्ड आउट हो जाते हैं। 4070 Ti वगैरह आपका जो है वो मिल जाता है, और 4070 Ti मतलब अकॉर्डिंग टू रेट और वारंटी के हिसाब से मिल जाते हैं वो कार्ड, ठीक है। मतलब वो कहाँ से खरीदना होगा फिर? या तो वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा, नहीं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन करके आराम से इजी चेक कर सकते हो, ठीक है। मतलब ग्रुप पे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है, वहीं से ज़्यादा जल्दी जो है चीज़ें वो सोल्ड आउट हो जाती होंगी, ठीक है। तो यहाँ हमने एनवीडिया के तो जो भी ग्राफिक कार्ड थे वो कवर कर लिए, अब बात करते हैं कुछ AMD के कार्ड्स की। और AMD के कार्ड ना थोड़े कम ही मिलते हैं मार्केट में, अपने पास स्टॉक कैसा है वैसे? AMD के कार्ड्स हमारे पास वैरायटी अवेलेबल है वैसे तो, मतलब सारे कार्ड्स अभी मैं डिस्प्ले में दिखा सकता हूं, क्योंकि हमारा ऑफिस वगैरह जैसे मैंने बताया थोड़ा बहुत इशूज है उसकी, तो मैं आपको जितने कार्ड हैं एक एक कार्ड दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 570 से हमारी स्टार्टिंग हो जाती है, नाइट्रो सफायर का, सफायर नाइट्रो प्लस, ठीक है। इसकी कंडीशन अच्छी कंडीशन है, हाँ। और इस कार्ड का प्राइस आपका रहेगा 570 था नहीं, हाँ, RX 570, 8GB वेरिएंट है, 8GB वेरिएंट है, 4GB वाला नहीं मिलेगा? 4GB वाला मतलब मिल तो जाता है, उसकी कॉस्टिंग कम आता होगा, हाँ कम आता है, मतलब आ जाता है, कोई ऐसी वो नहीं है, ठीक है। उसकी जो उसका जो प्राइस रहता है वो रहता है 6000। हाँ। और ये वाला जो है अपना 8GB वाला, 8GB पड़ेगा आपको 7500। 7500, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो 8GB वाला लेने में ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ओके भैया, इसके आगे कोई और कार्ड आता है 570 के आगे? हाँ, 570 के आगे आपको आ जाते हैं 580। एक तो सफायर नाइट्रो का हमारे पास अवेलेबल, ये वाला कार्ड आ जाता है, इसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है कार्ड की, और इसकी वारंटी आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड हो जाती है 6 months की, ठीक है, 6 months की। और इसमें एक और कार्ड है हमारे पास आसरॉक का, ठीक है, ज़्यादा भी 580 है, हाँ ये भी 580 है। इसका जो प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ये पड़ेगा आपको 7800 का, और ये मतलब इसकी प्राइस थोड़ा सा वो है कि सेम ही रहता है, मतलब ज़्यादातर, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कोई और कार्ड होगा इसके बाद में AMD में? इसके बाद आपको मिल जाएगा 5500 XT, मतलब 580 के उसमें ही है, परफॉर्मेंस में ही है, ठीक है, मतलब अराउंड में ही। इसकी इसका जो प्राइस रहेगा वो पड़ेगा 9500, 9500 रुपीज़, ठीक है। एंड इसके ऊपर, इसके ऊपर अगर आप जाते हो तो है 6600,
ठीक है, 6600 भी है। हाँ, ये है Asus का आपका, इसकी वैसे कंडीशन काफी अच्छी है, काफी क्लीन है वैसे। और इसकी वारंटी जो आपकी रिमेनिंग है ये है आपकी 10-11 मंथ्स की वारंटी। अच्छा, ये ऑफिशियल वारंटी, ऑफिशियल वारंटी है और हमारे साथ 6 मंथ्स तो मिलती है वारंटी। ठीक, और भैया प्राइसिंग क्या रहेगी इसकी? इसकी प्राइसिंग 6600 है, इसकी प्राइसिंग रहेगी 13500। और इसके साथ साथ हमारे पास 5600 XT भी अवेलेबल है Asus का, इसकी वारंटी हमारे तरफ 6 मंथ्स की मिलती है। और इसकी जो प्राइसिंग रहेगी इसकी 12000। नेक्स्ट आते हैं, कोई और कार्ड होगा 6700 XT वगैरह कुछ? 6700 XT और 6800 भी अवेलेबल है हमारे पास, पर अभी मतलब यहाँ पे स्टॉक में ऐसे नहीं है, पर मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन में आ जाएंगे रहते हैं, और मतलब सोल्ड होते रहते हैं, कोई ऐसे वो नहीं है। वेबसाइट पे कंप्लीट अपडेट आपको मिल जाती है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाती है। ठीक है, मतलब आपको अगर कोई भी ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा तो एक बार क्वेरी डाल देना व्हाट्सएप पे, या हो सकता है इंस्टा पे हो भैया? हाँ, इंस्टाग्राम पे भी है, फैम्पर्स बिल्ड के नाम से पेज है, पर उसमें अपडेट्स नहीं है, मतलब नॉर्मल उसमें पोस्ट वगैरह मिलती है कि आपको पीसी वगैरह इसकी डील मिल जाती है। पोस्ट वगैरह डलती है नॉर्मली, बाकी अगर कुछ पूछना वगैरह है तो व्हाट्सएप करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने वैसे AMD के भी कार्ड कवर कर लिए हैं काफ़ी, इसके बाद भी कुछ है अवेलेबल? जैसे कि मैंने बताया 6700 XT वगैरह ये सब जो सारे जो आने हैं, मतलब 6700 XT की जो कॉस्ट है वो पड़ेगी आपके 20,000 भी। ठीक है, मतलब कुछ कार्ड ऐसे हैं जो अभी कुछ दिन में आने वाले हैं। ठीक है, तो जब तक शायद वीडियो डलेगी तब तक तो आ जाएंगे, है ना? ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को कोई और भी ग्राफिक कार्ड चाहिए या फिर अगर आप लोगों को पीसी बिल्ड चाहिए, पूरा जो भी चीज़ चाहिए, आप लोग यहाँ पे भैया को कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, लोकेशन, एड्रेस एंड इसके अलावा बात करें फ़ोन नंबर वगैरह, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू भैया वीडियो बनवाने के लिए।